रिलेशनशिप कैसा भी हो तनाव दूर करेगा ये उपाय। बेस्ट सेलिंग राइटर की जाने दो थ्योरी जिंदगी में लाएगी खुशहाली। दोस्तों ने किसी पार्टी में इनवाइट नहीं किया या फिर क्रश भाव नहीं दे रहा। अपने लोग भावनाओं की कद्र नहीं करते। दफ्तर के साथी खुद गर्ज हुए जाते हैं या बॉस मेहनत की कदर करने को तैयार नहीं है। ये रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाली कुछ सामान्य सी परेशानियाँ हैं जो इकट्ठे होकर शख्स के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। नतीजतन जीवन की खुशियों में गम, गुस्सा और तनाव का ग्रहण लगने लगता है। हालांकि अब इनसे परेशान होने की जरूरत नहीं, बस एक छोटी सी थ्योरी को अप्लाई करना है और ये सारी परेशानियां छू मंतर हो सकती हैं। जानी मानी मोटिवेशनल स्पीकर न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलिंग राइटर मेल रॉबिन्स इसके लिए लीव देम यानी जाने दो का सिद्धांत देती हैं। वायरल हुआ वीडियो 3 करोड़ लोगों तक पहुंचती ये थ्योरी। दरअसल कुछ दिनों पहले मेल रॉबिन्स ने इस थ्योरी के बारे में सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड किया था। देखते ही देखते ये वीडियो वायरल हो गया। इसे 3 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं, जिसके बाद से ही इस जाने दो थ्योरी पर चर्चा शुरू हुई और दुनिया भर के लाइफ कोच और मोटिवेशनल स्पीकर इस बारे में लोगों को बताने लगे। दुनिया को बदलने में खत्म होती अपनी खुशियाँ, बिगड़ते रिश्ते। एक्सपर्ट की राय है कि जिंदगी के उतार चढ़ाव से निपटने में ये फलसफा काफी कारगर है। लेकिन ये काम कैसे करता है? लाइफ कोच डॉक्टर अंजलि की माने तो इसे भले ही थ्योरी का नाम दिया जा रहा हो, लेकिन ये हमारी सहज प्रवृत्ति होनी चाहिए। प्रकृति ने हरेक इंसान को अपने अपने ढंग से रचा है। सबकी सोच, काम करने का तरीका और हाव भाव अलग हैं। दिक्कत तब होती है जब लोग अपनी सोच के मुताबिक दुनिया को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसी सोच प्रकृति और सहज इंसानी मनोविज्ञान के खिलाफ है। इससे रिश्ते और अपनी वेलबींग बिगड़ेगी। सामने वाला दोस्त से दुश्मन बनेगा। फुर्सत से कहिए जाने दो, दिल और दिमाग से उतरेगा बड़ा बोझ। अपनी रिसर्च और अनुभव के आधार पर मेल रॉबिन्स बताती हैं कि लोग अपना काफी वक्त और एनर्जी दूसरों को सुधारने या बदलने में खर्च करते हैं। खूब सारे इमोशनल इन्वेस्टमेंट के बाद जब उन्हें रिटर्निंग में कुछ नहीं मिलता तो वे मन ही मन चिढ़ने लगते हैं। इसका नकारात्मक असर मेंटल हेल्थ, रिलेशनशिप और वेलबींग पर पड़ता है। लेकिन जैसे ही कोई शख्स अपना ध्यान दुनिया से हटाकर खुद पर लगाता है, लोगों को अपने मुताबिक बदलने की जगह अपनी कंपनी एंजॉय करता है, उसके दिलो दिमाग पर पड़ा एक बड़ा सा बोझ उतर जाता है, जिसकी वजह से उसकी अपनी वेलबींग और बाकी रिश्ते भी बेहतर होते जाते हैं। जिंदगी और रिश्तों से पलायन नहीं है, जाने दो का सिद्धांत लेव देम यानी जो जैसा कर रहा है उसे वैसा करने देने का फलसफा समझते हुए इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि यह जीवन के प्रति निष्क्रियता या फिर पलायनवाद नहीं है। नहीं, यह सिद्धांत चुनौतियों से छिपने या भागने की सलाह देता है। ये थ्योरी बस हमारे सोचने की दिशा को दूसरों से खुद की ओर मोड़ती है। इसके मुताबिक दूसरों को बदलने के लिए हाइपर एक्टिव होने से बेहतर है कि थोड़ी मात्रा में ही सही ये कवायद खुद के लिए करें। जमाने से ज्यादा उम्मीद न रखें। कोई दगा दे रहा हो तो उसे दोस्ती और वफा की समझाइश देने के बदले ये समझे कि उसकी सोच में बेवफाई है, वो ऐसा ही चाहता है और इस फैक्ट को बदला नहीं जा सकता। इस सच्चाई को स्वीकारते हुए अपना अगला कदम बढ़ना ही लेट टैंप का निचोड़ है। पंजाब से सीखें ये फलसफा और कहें चलो जी मट्टी पाओ। जब भी जिक्र पंजाब, पंजाबी या पंजाबियत की आए तो हमारे जेहन में लहलहाते हरे खेत और खुशगवार जिंदा दिल लोगों की तस्वीर उभरती है। जिंदा दिली भी ऐसी कि किसी भी बात पर कहकहा लगाने और भांगड़ा करने के लिए तैयार दिखते हैं। पंजाब और पंजाबियों की इस जिंदा दिली और खुशी के पीछे एक फलसफा है। वहाँ कुछ बुरा हो जाए तो लोग कहते हैं चलो जी मट्टी पाओ यानी पिछली बातों को भूल जाओ। बहुत बुरा लगे तो 4 आंसू गिरा लो फिर वापस दिल खोल कर मुस्कुराओ। खुशी है तो दिखाने के लिए और गम है तो छिपाने के लिए मुस्कुराओ, मगर मुस्कुराओ। जो आपको नहीं मिला संभव है वो किसी और को मिल जाए या आपको उससे कुछ बेहतर मिल जाए। इसलिए हर कंडीशन में जाने देना और मुस्कुराना जरूरी है।